बात करते हैं। राकू क्या लग रहा है आपको, निकलेगी गाड़ी? निकलने के चांसेस हैं? आप लोगों ने जोर लगाया कि नहीं? बहुत जोर लगाया। कितने लोग हैं सारे कम से कम जोर लगाने वाले? कितने लोग हैं सारे कम से कम? 12-15 लोग हैं? 15 लोग? 15 गाइस, अभी जमीन में तो है गाड़ी। ठीक है, आप जाइए, मैं वीडियो शूट करता हूँ। आई विल कीप शूटिंग दिस वीडियो ऑफ रेस्क्यू ऑफ दिस फॉर्चुनर व्हीकल ऑफ हरियाणा HR03T0091। दैट्स व्हाट हैपेंस नाउ। Yes. और एक गाड़ी रेस्क्यू होती हुई, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती हुई, और मेरे ख्याल से गाड़ी बहुत जल्दी बाहर निकलनी चाहिए। जब तक ये लोग और इस रेस्क्यू को मैनेज करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पेंगोंग त्सो लेक का लैंडस्केप दिखाता हूँ। ये देखिए, ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर। इस पानी में हम लोग थोड़ी देर पहले नहाए। ये पानी आपको लगता होगा कि मीठा पानी होगा, लेकिन ये पानी खराब पानी है। और एक बात और, इसमें आप जब नहाने जाते हैं तो आप एक्साइटमेंट में तैरने लग पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करते हैं बॉडी का, जिससे कि क्योंकि यहाँ पे O2 लेवल बहुत डाउन है, इसलिए आपको बहुत थकान होती है और बॉडी इट टेक्स इट्स टॉल ऑन योर बॉडी एंड इट टेक्स सम टाइम फॉर योर बॉडी टू रिकवर। प्लानिंग फिर से चल रही है, कम से कम गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए पानी में नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए लोग अपने शूज पहन रहे हैं। देखते रहिए गाड़ी का रेस्क्यू। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ग्रुप था, मेरे ग्रुप के 6 लोग, मुझे मिला के 7 लोग हैं, और 6 लोग बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन अब ये गाड़ी बाहर निकल जाएगी, फॉर श्योर गाड़ी बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल गई है ये गाड़ी, बाहर निकल गई है। और क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसमें गियर्स नहीं है, इसलिए इनको नीचे से बाहर निकालने में दिक्कत आ रही थी। अभी गाड़ी को बैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनको गाड़ी को आगे से मोड़ना चाहिए राइट साइड को। सिंपली वी कैन नॉट अफोर्ड टू गेट दिस व्हीकल रिवर्स्ड। चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे। इस गाड़ी को रेस्क्यू करने के पश्चात मैं इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, अभी सड़क अभी बहुत ऊपर है, इस गाड़ी को राइट साइड को मोड़ रहे हैं। अभी मुड़ गई गाड़ी, लेकिन अभी रेस्क्यू होने से बहुत दूर है, क्योंकि जो कच्चा रोड है वो यहाँ पे जाके है, और इस गाड़ी के ऑटोमेटिक होने के चलते गाड़ी नहीं सही से निकाली जा पा रही। अब देखते हैं ये बैक करते हैं कि क्या करते हैं, इनके गियर्स रिवर्स भी सही से नहीं हो पा रही। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी सी गाड़ी को रिवर्स किया गया है, उसके बाद गाड़ी को थोड़ा सा आगे लाया जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से इसको गाड़ी को जहाँ से लाए थे ऊपर को लेके जाया जाएगा। ये प्लान है रेस्क्यू का। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गाड़ी सही से सपोर्ट नहीं कर पा रही, इसलिए रेस्क्यू मुश्किल हो रहा है। अदरवाइज अगर गाड़ी खुद में सही से काम करती तो डेफिनेटली ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों ये गाड़ी सही से काम नहीं कर रही है, और मेरे ख्याल से इसको अब रेस्क्यू वैन से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तब तक ये गाड़ी ऊपर ऐसी खड़ी रहेगी, इन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन इन लोगों के पास कोई और चारा नहीं है इस गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए।
मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू। नाइट भी आ रहे थे पास से।